हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर डिजाइन का क्वेश्चन गेट सीएस 2018 से। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक लेक्सिकल एनालाइजर है जो कि इस पैटर्न को यूज करता है टोकन्स को, थ्री टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, T1, T2, T3 जो कि है ओवर अल्फाबेट ABC, और T1 दिया हुआ है A क्वेश्चन मार्क बी और सी एस्ट्रिक ए, T2 इज B क्वेश्चन मार्क ए और सी एस्ट्रिक बी, एंड T3 इज सी क्वेश्चन मार्क बी और ए एस्ट्रिक सी। अब यहाँ पे जो ये सी क्वेश्चन मार्क या ए बी क्वेश्चन मार्क दैट इज एक्स क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि या तो सिंबल, ये सिंबल अकर हो रहा होगा, जीरो और वन अकरेंस ऑफ द सिंबल एक्स, दैट मीन्स कि या तो ये सिंबल आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा, एक बार आ रहा है या फिर एक बार भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस पूछा गया है कि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स के साथ जो टोकन मैच हो रहा है, आउटपुट की एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग दी हुई है, पूछा गया है कि क्या सीक्वेंस ऑफ टोकन इस स्ट्रिंग को जनरेट करेगा एज आउटपुट विथ लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जो सिंबल है एक्स क्वेश्चन मार्क कि वो एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम T1 को क्या लिख सकते हैं। T1 कैन बी कि जो ए सिंबल है वो एक बार अकर हो रहा है, बी और सी को हम बी प्लस सी लिख सकते हैं इन टू ए, एंड दूसरा है कि जो सिंबल है वो एक बार भी अकर नहीं हो रहा है, जीरो अकरेंस ऑफ द सिंबल, दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी एस्ट्रिक ए और बी प्लस सी एस्ट्रिक ए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल ए है वो एक भी बार नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम T2 को लिख सकते हैं बी ए प्लस सी एस्ट्रिक बी प्लस बी, हम फिर से क्योंकि जीरो अकरेंस ऑफ द सिंबल बी तो हम फिर से इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी एस्ट्रिक बी। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली हम T3 को भी लिख सकते हैं, T3 विल बी सी बी प्लस ए एस्ट्रिक सी प्लस जीरो अकरेंस ऑफ सी, इसका मतलब हम सी को नहीं लिखेंगे, बी प्लस ए, और इसको बोल सकते हैं बी और ए एस्ट्रिक सी। तो अब ये थ्री टोकन्स है, इससे हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है ये जनरेट होगी, और हमें उस वाले टोकन को लेना है जिसके साथ लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स बनेगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग का। तो स्टार्ट करते हैं T1 से, देखेंगे कि हमें ये बी बी, क्योंकि इससे तो ए स्टार्टिंग में आएगा तो इससे तो जनरेट नहीं करेंगे, इससे देखते हैं, इससे हमारा बी जनरेट हो जाएगा, बी बी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये है सी, तो इससे जनरेट होगा सिर्फ और सिर्फ बी बी ए, क्योंकि ए एक बार जनरेट हो जाएगा, सी को हम एक भी बार जनरेट, क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब तो ये होता है ना कि आप जीरो अकरेंस भी ले सकते हो, वन अकरेंस भी ले सकते हो, टू थ्री कितनी भी टाइम्स आप ले सकते हो, बट एक जीरो अकरेंस भी ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे सी छोड़ दें तो इससे हम जनरेट कर पाएंगे बी, और फिर से बी जनरेट कर पाएंगे अगर हम सी नहीं लेते, क्योंकि हमें ये बी बी ए ए सी इस सिक्वेंस को, ए बी सी इस सिक्वेंस को जनरेट करना है। तो हमने बी और बी जनरेट किया है यहाँ से, एंड देन ए, तो हमें यहाँ से जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स मिला T1 से दैट विल बी बी बी। अब T2 से देखते हैं, तो क्योंकि ये जो है ये ए प्लस सी से स्टार्ट हो रहा है, तो और अगर हम इन दोनों को ही छोड़ दें तो हम इसे जनरेट कर पाएंगे बी खाली, ठीक है। और इससे देखते हैं, इस पार्ट से हम इसे क्या जनरेट कर पाएंगे, बी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम जनरेट कर पाएंगे अगेन, इससे हम सिर्फ बी बी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ए प्लस सी से कुछ भी जनरेट करेंगे तो बी ए हो जाएगा जो कि इस स्ट्रिंग से मैच नहीं करेगा, तो इससे हम जनरेट कर पाएंगे बी बी जो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। अब T3 के पास आते हैं, तो T3 में देखो, तो स्टार्टिंग में आ रहा है सी, तो हमें सी तो जनरेट करना नहीं है, हमारी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, बी से, राइट। तो हम यहाँ से जनरेट करेंगे, यहाँ से हम कुछ भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स जनरेट नहीं कर पाएंगे इस स्ट्रिंग के लिए, यहाँ से देखते हैं। तो बी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि बी एस्ट्रिक है, ठीक है, बी वन टाइम, अगेन बी सेकेंड टाइम भी जनरेट कर पाएंगे, ए ए भी कितनी बार भी जनरेट कर सकते हैं, तो ए ए दिया हुआ है, दो टाइम्स हमने ए जनरेट किया, और हम सी भी जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम जनरेट कर पा रहे हैं बी बी ए ए सी। तो ये इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट जो प्रीफिक्स हम जनरेट कर पा रहे हैं वो है टोकन T3 से, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी अगर ऑप्शंस देखोगे तो इसमें जो T3 है ना वो सिर्फ इसमें है जिससे हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इससे आगे का
क्योंकि हमें अगर ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, T3 अगर और सभी ऑप्शंस में भी दिया होता तो चेक करना होता, उसके लिए हम इससे आगे की स्ट्रिंग देखेंगे। जो लेफ्ट पार्ट है, BBAC हमने जनरेट कर लिया T3 से, अब हमें देखना है कि ABC हम कहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगेन हम T1 पे जाएंगे, हम T1 से इस पार्ट से A जनरेट कर पाएंगे, BB जनरेट कर पाएंगे एंड लेकिन लास्ट में A आ जाएगा, तो यहाँ से ABC जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट से भी जनरेट, सिमिलरली इसके भी लास्ट में A आ जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे लास्ट में A आएगा, तो इसे भी छोड़ देंगे। T2 के पास जाएंगे, देखेंगे हाँ इधर लास्ट में B आएगा, इधर भी लास्ट में B आ जाएगा, ऑफकोर्स इसे भी छोड़ देंगे। आप T3 के पास आएंगे, तो T3 से देखो हम T3 से जनरेट कर पाएंगे इधर, क्योंकि बिगिनिंग में C आ जाएगा तो इससे कुछ हम जनरेट नहीं करेंगे। इस वाले पोर्शन पे आते हैं, यहाँ से हम B और A एस्ट्रिक इससे हम जनरेट करते हैं, AB कर सकते हैं। ठीक है, AB और BB दोनों जनरेट कर सकते हैं एंड C, तो यस T3 और T3 टोकन T3 और T3 से ही हम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी T3 T3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। थैंक यू सो मच।